हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी कक्षा 8 विज्ञान का नवा अध्याय जंतुओं में जनन। और इस अध्याय को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने पाचन, परिसंचरण एवं श्वसन प्रक्रम के बारे में पिछली कक्षा में पढ़ा था, क्या आपको इस विषय में याद है? ये प्रक्रम प्रत्येक जीव की उत्तरजीविता के लिए आवश्यक है। आप पौधों में जनन के प्रक्रम के विषय में भी पढ़ चुके हैं। जनन जाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। कल्पना कीजिए कि यदि जीव प्रजनन नहीं करते तो क्या होता। आप इस बात को मानेंगे कि जीवों में जनन का विशेष महत्व है, क्योंकि यह एक जैसे जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता बनाए रखना सुनिश्चित करता है। आप पिछली कक्षा में पौधों में जनन के विषय में पढ़ ही चुके हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे कि जंतु किस प्रकार जनन करते हैं। जनन की विधियाँ, क्या आपने विभिन्न जंतुओं के बच्चों को देखा है? कुछ जंतुओं के बच्चों के नाम सारणी में दिए में भरने का प्रयास कीजिए। ऊपर सारणी दे रखी है, हम भरेंगे, है ना। क्रम संख्या 1 से 5 में उदाहरण देकर दर्शाया गया है। आपने विभिन्न जंतुओं में बच्चों का जन्म होते हुए भी देखा होगा। क्या आप बता सकते हैं कि चूजे और इल्ली मतलब कैटरपिलर किस प्रकार जन्म लेते हैं? बिलौटे और पिल्ले का जन्म किस प्रकार होता है? बिलौटे मतलब बिल्ली के बच्चे का। क्या आप सोचते हैं कि जन्म से पूर्व ये जीव कैसे दिखाई देते थे जैसे कि अब दिखाई देते हैं? आइए पता लगाते हैं। पौधों की तरह जंतुओं में भी जनन की दो विधियाँ होती हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। तो पहले हम इस सारणी को देखते हैं। जैसे मनुष्य का शिशु होता है, बिल्ली का बिलौटा होता है, कुत्ते का पिल्ला होता है, तितली का होता है कैटरपिलर, मुर्गी का चूजा होता है, गाय का बछड़ा होता है, मेंढक का टैडपोल होता है। ठीक है, ये बच्चों का नाम है। अब हम बात करेंगे लैंगिक जनन के बारे में, जो लिंग के द्वारा जनन होता है। कक्षा 7 में आपने पौधों में जनन के विषय में पढ़ा था, इसे स्मरण करने का प्रयास कीजिए। आपको याद हुआ कि लैंगिक जनन करने वाले पौधों में नर तथा मादा जननांग होते हैं। क्या आप इन भागों के नाम बता सकते हैं? जंतुओं में भी नर एवं मादा के विभिन्न जनन भाग अथवा अंग होते हैं। पौधों की ही तरह जंतु भी नर एवं मादा युग्मक बनाते हैं, जो संलयित होकर मतलब जुड़कर युग्मनज बनाते हैं। यह युग्मनज विकसित होकर एक नया जीव बनता है। इस प्रकार का जनन जिसमें नर तथा मादा युग्मक का संलयन होता है, लैंगिक जनन कहलाता है। आइए हम मनुष्य में जनन भागों का पता लगाएं तथा जनन प्रक्रम का अध्ययन करें। नर जनन अंगों में एक जोड़ा वृषण, 2 शुक्राणु नलिका तथा एक सीसन मतलब लिंग होते हैं। वृषण नर युग्मक उत्पन्न करते हैं जिन्हें शुक्राणु कहते हैं। वृषण लाखों शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। चित्र 9.2 में इसको दिखाया गया है। इस तरह से शुक्राणु होता है। शुक्राणु यद्यपि बहुत सूक्ष्म होते हैं, पर प्रत्येक में एक सिर, एक मध्य भाग एवं एक पूंछ होती है। क्या शुक्राणु एकल कोशिका जैसे प्रतीत होते हैं? वास्तव में हर शुक्राणु में कोशिका के सामान्य घटक पाए जाते हैं। मादा जनन अंग, देखो ये आपको नर जनन अंग दिखेगा। ठीक है, शुक्राणु में पूंछ किस काम आती है? तो ये प्रश्न पूछा है पहेली ने, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि जब शुक्राणु एक जगह से दूसरी जगह पर गति करता है तो उसको एक माध्यम में तैरने के लिए उसकी पूंछ काम में आती है। ठीक है, अब हम बात करें मादा जननांग की, जो खासकर स्त्रियों में पाई जाती है। मादा जननांगों में एक जोड़ी अंडाशय, अंडवाहिनी, डिंबवाहिनी तथा गर्भाशय होता है। अंडाशय मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं जिसे अंडाणु या डिंब कहते हैं। मानव या स्त्रियों में प्रति मास दोनों अंडाशयों में से एक अंडाशय में एक विकसित अंडाणु अथवा डिंब का निर्मोचन अंडवाहिनी में होता है। गर्भाशय वह भाग है जहां शिशु का विकास होता है। शुक्राणु की तरह अंडाणु भी एकल कोशिका है। इस तरह से ये मानव अंडाणु है, ये निषेचन होने के बाद में कुछ इस तरह से हो जाता है और ये युग्मनज बनता है निषेचन होने के बाद में। बूजो कह रहा है, बूजो को पता है कि विभिन्न जंतुओं में अंडे का साइज अलग अलग होता है। अंडाणु अति सूक्ष्म हो सकते हैं जैसे कि मनुष्य में अथवा बहुत बड़े भी होते हैं। मनुष्य में बड़े होते हैं जैसे मुर्गी के अंडे, शुतुरमुर्ग का अंडा
सबसे विशाल होता है। शुतुरमुर्ग का अंडा वजन में लगभग 2 किलो का होता है और ये एक तरबूज से थोड़ा सा छोटा होता है। अब निषेचन की बात करें तो जनन प्रक्रम का पहला चरण शुक्राणु और अंडाणु का संलयन है। जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आते हैं तो इनमें से एक शुक्राणु अंडाणु के साथ संलयित हो जाता है। शुक्राणु और अंडाणु का यह संलयन निषेचन कहलाता है। निषेचन के समय शुक्राणु और अंडाणु संलयित होकर एक हो जाते हैं। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। क्या आपको जानकारी थी कि एक युग्मनज एक नई वेष्टि का प्रारंभ करता है? मतलब जब युग्मनज बनता है, जब स्त्री और पुरुष के जो अंडाणु और शुक्राणु मिलते हैं तो युग्मनज बनता है और युग्मनज बड़ा होकर एक नए बच्चे को जन्म देते हैं। निषेचन के प्रक्रम में स्त्री मतलब माँ के अंडाणु और नर पिता के शुक्राणु का संयोजन होता है। अतः नई संतति में कुछ लक्षण अपनी माता से और कुछ लक्षण अपने पिता से वंशांगत होते हैं। अपने भाई अथवा बहन को देखिए, यह पहचानने का प्रयास कीजिए कि उनमें से कौन से लक्षण माता से और कौन से लक्षण पिताजी से प्राप्त हुए हैं। वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है आंतरिक निषेचन कहलाता है। मनुष्य, गाय, कुत्ते तथा मुर्गी इत्यादि अनेक जंतुओं में आंतरिक निषेचन होता है। क्या आपने परखनली शिशु के बारे में सुना है? बूजो और पहली के अध्यापक ने एक बार कक्षा में बताया था कि कुछ स्त्रियों की अंडवाहिनी अवरुद्ध हो जाती है। ऐसी स्त्रियां शिशु उत्पन्न करने में असमर्थ होती हैं क्योंकि निषेचन के लिए शुक्राणु मार्ग अवरुद्ध होने के कारण अंडाणु तक नहीं पहुंच पाते। ऐसी स्थिति में डॉक्टर ताज़ा अंडाणु एक शुक्राणु एकत्र करके उचित माध्यम में कुछ घंटों के लिए एक साथ रखते हैं, जिसे IVF अथवा इन विट्रो निषेचन शरीर के से बाहर कृत्रिम निषेचन हो सके। अगर निषेचन हो जाता है तो युग्मनज को लगभग 1 सप्ताह तक विकसित किया जाता है, जिसके पश्चात उसे माता के गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। माता के गर्भाशय में पूर्ण विकास होता है तथा शिशु का जन्म सामान्य शिशु की तरह होता है। इस तकनीक द्वारा जन्मे शिशु को परखनली शिशु कहते हैं। यह एक मिथ्या नाम है क्योंकि शिशु का विकास परखनली में नहीं होता। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि अनेक जंतुओं में निषेचन की क्रिया मादा शिशु के शरीर के बाहर होती है। इन जंतुओं में निषेचन जल में होता है। आइए पता लगाएं कि यह किस प्रकार संपन्न होता है। इसके लिए एक क्रियाकलाप है। वसंत अथवा वर्षा ऋतु के समय किसी तालाब अथवा मंद गति से बहते झरने का भ्रमण करना है, वहाँ पर घूमने जाना है। जल पर तैरते हुए मेंढक के अंडों को ढूंढिए। अंडों के रंग और साइज को नोट कीजिए। वसंत अथवा वर्षा ऋतु में मेंढक अथवा टोड मतलब मेंढक के बच्चे पोखर तालाब तथा मंद गति से बहते झरने की ओर जाते हैं। जब नर तथा मादा एक साथ पानी में आते हैं तो मादा सैकड़ों अंडे देती है। मुर्गी के अंडे की तरह मेंढक के अंडे कवच से ढके नहीं होते और ये अपेक्षाकृत बहुत कोमल होते हैं। जेली की तरह एक परत अंडों को एक साथ रखती है तथा इनकी सुरक्षा भी करती है। कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं आपको। मादा जैसे ही अंडे देती है, नर उस पर शुक्राणु छोड़ देता है। प्रत्येक शुक्राणु अपनी लंबी पूंछ की सहायता से जल में इधर उधर तैरते रहते हैं। शुक्राणु अंड कोशिका के संपर्क में आते हैं, जिसके फलस्वरूप निषेचन होता है। इस प्रकार का निषेचन जिसमें नर एवं मादा युग्मक का संलयन मादा के शरीर के बाहर होता है, बाह्य निषेचन कहलाता है। यह मछली, स्टारफिश जैसे जलीय प्राणियों में होता है। मछली और मेंढक एक साथ सैकड़ों अंडे क्यों देते हैं, जबकि मुर्गी एक समय में केवल एक ही अंडा देती है? अब पहली भी करिए। यद्यपि यह जंतु सैकड़ों अंडे देते हैं तथा लाखों शुक्राणु निर्मोचित करते हैं, सारे अंडों का निषेचन नहीं होता और वह नया जीव नहीं बन पाते। इसका कारण यह है कि अंडे एवं शुक्राणु निरंतर जल की गति, वायु और वर्षा से प्रभावित होते रहते हैं। तालाब में दूसरे ऐसे जंतु भी होते हैं जो इन अंडों का भोजन करते हैं। अतः अंड कोशिकाओं एवं शुक्राणुओं का बड़ी संख्या में उत्पन्न होना आवश्यक है ताकि उनमें से कुछ में निषेचन सुनिश्चित किया जा सके। अब हम बात करेंगे भ्रूण का परिवर्धन। भ्रूण कैसे बड़ा जीव बनता है? एक भ्रूण जो एक छोटा सा जीव बनता है निषेचन की प्रक्रिया के कारण, वो बड़ा कैसे बनता है, तो इसके बारे में बात करेंगे। निषेचन का परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है, जो विकसित होकर भ्रूण में परिवर्तित होता है।
युग्मनज लगातार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है। तत्पश्चात कोशिकाएं समूहीकृत होने लगती हैं तथा विभिन्न ऊतकों और अंगों में परिवर्तित हो जाती हैं। इस विकसित होती हुई संरचना को भ्रूण कहते हैं। भ्रूण गर्भाशय की दीवार में रोपित होकर विकसित होता रहता है। गर्भाशय में भ्रूण का निरंतर विकास होता रहता है। धीरे धीरे विभिन्न शारीरिक अंग जैसे हाथ, पैर, सिर, आंखें, कान इत्यादि विकसित हो जाते हैं। भ्रूण की वह अवस्था जिसमें शारीरिक अंगों की पहचान हो सके गर्भ कहलाता है। जब गर्भ का पूरा विकास हो जाता है तो मां नवजात शिशु को जन्म देती है। मुर्गी में भी आंतरिक निषेचन होता है, परंतु क्या मनुष्य और गाय की तरह मुर्गी भी बच्चों को जन्म देती है? आप जानते ही हैं कि मुर्गी बच्चों को जन्म नहीं देती। तब चूजे कैसे जन्म लेते हैं? आइए पता लगाएं। निषेचन के फौरन बाद ही युग्मनज लगातार विभाजित होता रहता है और अंडवाहिनी में नीचे की ओर बढ़ता रहता है। इसके नीचे बढ़ने के साथ साथ इस पर सुरक्षित परत चढ़ जाती है। मुर्गी के अंडे पर दिखाई देने वाला कठोर कवच भी ऐसी ही सुरक्षित परत है। कठोर कवच के पूर्ण रूप से बन जाने के बाद मुर्गी अंडे का निर्मोचन करती है। मुर्गी के अंडे को चूजा बनने में लगभग 3 सप्ताह का समय लगता है। आपने मुर्गी को ऊष्मायन के लिए अंडों पर बैठे देखा होगा। क्या आप जानते हैं कि अंडे के अंदर चूजे का विकास इस अवधि में ही होता है? चूजे के पूर्ण रूप से विकसित होने के बाद कवच के प्रफुष्टन के बाद चूजा बाहर आता है। बाहरी निषेचन वाले जंतुओं में भ्रूण का विकास मादा के शरीर के बाहर ही होता है। भ्रूण अंडावरण के अंदर विकसित होता रहता है। भ्रूण का विकास पूर्ण होने पर अंडोत्पत्ति होती है, मतलब चूजा अंडे से बाहर आता है। आपने तालाब अथवा मेंढक झरने में मेंढक के अनेक टैडपोल तैरते हुए देखे होंगे। जरायुज एवं अंडप्रजक जंतु। हमने जाना कि कुछ जंतु विकसित शिशु को जन्म देते हैं, जबकि कुछ जंतु अंडे देते हैं जो बाद में शिशु में विकसित हो जाते हैं। वह जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं जरायुज जंतु कहलाते हैं। वे जंतु जो अंडे देते हैं अंडप्रजक जंतु कहलाते हैं। निम्न क्रियाकलाप की सहायता से आप इस बात को और अच्छी प्रकार समझ सकेंगे तथा जरायुज एवं अंडप्रजक में विभेद पन कर सकेंगे। क्रियाकलाप 9.2। मेंढक, छिपकली, तितली अथवा सलभ, मुर्गी तथा कौवे अथवा किसी अन्य पक्षी के अंडे का अवलोकन करने का प्रयास कीजिए। क्या आप इन सभी प्राणियों के अंडों का अवलोकन कर पाए हैं? जिन अंडों का आपने एकत्रित किया है उनके चित्र बनाइए। कुछ जंतुओं के अंडों का अवलोकन करना सरल है क्योंकि उनकी माँ शरीर के बाहर अंडे देती है, परंतु आप गाय, कुत्ता अथवा बिल्ली के अंडे एकत्रित नहीं कर सकते। यह इसलिए क्योंकि वह अंडे नहीं देते, उनमें माँ पूर्ण विकसित शिशु को ही जन्म देती है। यह जरायु जंतुओं के उदाहरण हैं। अब क्या आप जरायु एवं अंडप्रजक जंतुओं के कुछ अन्य उदाहरण दे सकते हैं? तो शिशु से वयस्क, नवजात जन्मे प्राणी अथवा अंडे के प्रफुष्टन से निकले प्राणी तब तक वृद्धि करते रहते हैं जब तक कि वे वयस्क नहीं हो जाते। कुछ जंतुओं में नवजात जंतु वयस्क से बिल्कुल अलग दिखाई पड़ सकते हैं। रेशम कीट के जीवन चक्र का स्मरण कीजिए। अंडा मतलब अंडे से लार्वा और अथवा इल्ली, और इल्ली से प्यूपा और प्यूपा से वयस्क, जिसके विषय में आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं। मेंढक इस प्रकार के जंतुओं का एक अन्य उदाहरण है। मेंढक में अंडे से प्रारंभ करके वयस्क बनने की विभिन्न अवस्थाओं में मतलब चरणों का प्रेक्षण कीजिए। हम 3 स्पष्ट अवस्थाओं अथवा चरणों को देख सकते हैं। जिससे पहले अंडा, फिर टैडपोल जिसको लार्वा कहते हैं, और तीसरा वयस्क। क्या टैडपोल वयस्क मेंढक से भिन्न दिखाई नहीं देते? क्या आप सोच सकते हैं कि किसी दिन यह टैडपोल वयस्क मेंढक बन जाएंगे? उसी प्रकार रेशम कीट की इल्ली अथवा प्यूपा वयस्क रेशम कीट से बहुत अलग दिखाई पड़ता है। वयस्क में पाए जाने वाले लक्षण नवजात में नहीं पाए जाते। फिर टैडपोल अथवा इल्ली का बाद में क्या होता है? यहाँ पर देखें, एक मेंढक है, ये अंडे देता है। अंडे फिर आरंभी टैडपोल में बदलते हैं। आरंभी टैडपोल के बाद में ये बड़े टैडपोल में बदलते हैं, और ये टैडपोल बाद में मेंढक में बदल जाते हैं। फिर मेंढक अंडे देता है। इस तरह से इनका जीवन चक्र चलता रहता है। आपने एक सुंदर सलभ को कोकून के बाहर निकलते देखा होगा। टैडपोल रूपांतरित होकर वयस्क में बदल जाता है, जो छलांग लगा सकता है और तैर सकता है। कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ टैडपोल का वयस्क में रूपांतरण कायांतरण कहलाता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं,
हम शरीर में किस प्रकार के परिवर्तन देखते हैं? क्या आप सोचते हैं कि हमारा भी कायांतरण होता है? मनुष्य में जन्म के समय से ही नवजात शिशु में वयस्क समान शारीरिक अंग मौजूद होते हैं। अलैंगिक जनन। अब तक हमने प्रजनन जनन प्रक्रम का अध्ययन उन जंतुओं में पढ़ा है जिनसे हम परिचित हैं, परंतु अत्यंत छोटे जंतु जैसे हाइड्रा एवं सूक्ष्मदर्शीय जंतु जैसे कि अमीबा में जनन किस प्रकार होता है, क्या आप उनके प्रजनन करने के विषय के ढंग के विषय में जानते हैं? आइए इसका पता लगाएं। जैसे आपको यहाँ पर हाइड्रा दिख रहा है ना, तो ये मुकुलन करता है। मुकुलन क्या होता है इसके बारे में देखें। हाइड्रा की स्थाई स्लाइड कीजिए। आवर्धक लेंस अथवा सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इस स्लाइड का अध्ययन कीजिए। जनक के शरीर से क्या कुछ ऊपरी संरचनाएं दिखाई देती है? इन ऊपरी संरचनाओं की संख्या ज्ञात कीजिए, इनका साइज भी ज्ञात कीजिए। हाइड्रा चित्र वैसा ही बनाइए जैसा आपको दिखाई देता है, इसकी तुलना चित्र 9.11 से कीजिए, तो इस तरह से दिखाई देगा आपको। तो देखिए यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर एक छोटा सा भाग आपको इसमें से निकलता हुआ दिखाई देगा, ये धीरे धीरे बड़ा होगा, बड़ा होने के बाद में ये एक और नया हाइड्रा जैसे दिखने लगता है, फिर ये टूट कर अलग हो जाता है, जिसे मुकुलन कहते हैं। प्रत्येक हाइड्रा में एक या अधिक उभार दिखाई दे सकते हैं, यह उभार विकसित होते एक नए जीव है जिसे मुकुल कहते हैं। स्मरण कीजिए कि यीस्ट में भी मुकुल दिखाई देते हैं। हाइड्रा में भी एक एकल जनक से निकलने वाले उद्धर्द में नए जीव का विकास होता है। इस प्रकार के जनन को जिसमें केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है अलैंगिक जनन कहलाता है। हाइड्रा में मुकुल से नया जीव विकसित होता है, इसलिए इस प्रकार के जनन को मुकुलन कहते हैं। अलैंगिक जनन की अन्य विधि अमीबा में दिखाई देती है, आइए देखें यह कैसे होता है। अलैंगिक जनन की अन्य विधि अमीबा में दिखाई देती है, आइए देखें यह कैसे होता है। आप अमीबा की संरचना के विषय में पढ़ चुके हैं, आपको स्मरण होगा कि अमीबा एक कोशिकीय होता है। इसमें केंद्रक के दो भागों में विभाजन से जनन प्रक्रिया प्रारंभ होती है, इसके बाद कोशिका भी दो भागों में बढ़ जाती है जिसके प्रत्येक भाग में केंद्रक होता है। परिणाम स्वरूप एक जनक से दो अमीबा बनते हैं। इस प्रकार के अलैंगिक जनन को जिसमें जीव विभाजित होकर दो संतति उत्पन्न करता है द्विखंडन कहलाता है। मुकुलन एवं द्विखंडन के अतिरिक्त कुछ अन्य विधियां भी हैं जिनके द्वारा एकल जीव संतति उत्पन्न करते हैं। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण दे रखा है इसका, डोली की कहानी, ये क्लोन भेड़ थी। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, आप ध्यान से सुने और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। किसी समरूप कोशिका या किसी अन्य जीवित भाग अथवा संपूर्ण जीव को कृत्रिम रूप से उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्लोनिंग कहलाती है। किसी जंतु की सफलतापूर्वक क्लोनिंग सर्वप्रथम इयान विलमट और उनके सहयोगियों ने एडिनबर्ग स्कॉटलैंड की रोजलिन इंस्टीट्यूट में की। उन्होंने एक भेड़ को क्लोन किया जिसका नाम डोली रखा गया। डोली का जन्म 5 जुलाई 1996 को हुआ था। यह क्लोन किया जाने वाला पहला स्तनधारी था। डोली की क्लोनिंग करते समय फिन डोरसेट नामक मादा भेड़ की स्तन ग्रंथि से एक कोशिका एकत्र की गई। उसी समय स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव से एक अंड कोशिका भी एकत्र की गई। अंड कोशिका से केंद्रक को हटा दिया गया। तत्पश्चात फिन डोरसेट भेड़ की स्तन ग्रंथि से ली गई कोशिका के केंद्रक को स्कॉटफिश ब्लैक फिश ईव की केंद्रक विहीन अंड कोशिका में स्थापित किया गया। इस प्रकार उत्पन्न अंड कोशिका को स्कॉटिश ब्लैक फिश ईव से में रोपित किया गया। अंड कोशिका का विकास एवं परिवर्धन सामान्य रूप से हुआ, अतः अंततः डोली भेड़ का जन्म हुआ। यद्यपि स्कॉटिश ब्लैक फिश ईव ने डोली को जन्म दिया था, परंतु डोली फिन डोरसेट भेड़ के समरूप थी जिससे केंद्रक लिया गया था, क्योंकि स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव के केंद्रक को अंड कोशिका से हटा दिया गया था। अतः डोली में स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव का कोई भी लक्षण परिलक्षित नहीं हुआ। डोली एक फिन डोरसेट भेड़ की स्वस्थ क्लोन थी जिसने प्राकृतिक लैंगिक जनन द्वारा अनेक संततियों को जन्म दिया। दुर्भाग्य से फेफड़ों के रोग के कारण 14 फरवरी 2003 को डोली की मृत्यु हो गई। डोली के बाद स्तनधारियों को क्लोन बनाने के अनेक प्रयास किए गए, परंतु बहुत तो जन्म से पहले ही मर गए तथा कुछ की जन्म के बाद ही मृत्यु हो गई। क्लोन वाले जंतुओं में अक्सर जन्म के समय अनेक विकृतियां होती हैं। तो बच्चों ये हमारा अध्याय था, ये इसके महत्वपूर्ण बिंदु है जिन्हें आप ज़रूर पढ़ें। ठीक है, और अब यहाँ से इसके प्रश्नोत्तर चालू होते हैं।
तो अगर आप इनको आराम से करें आपको समझ में आ जाएंगे कि प्रश्नों का उत्तर कैसे देना है। अगर कोई प्रश्न ऐसा लगे जिसके उत्तर आप न दे सकें तो मुझे बताएं, मैं उनको आपको आंसर ज़रूर दूंगा, ठीक है। तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, मिलेंगे अगले अध्याय में। धन्यवाद।